दिव्य प्रेम सेवा मिशन के इस रजत जयंती समापन समारोह में हम सबको जिनकी प्रतीक्षा है और बड़ा गौरव का क्षण भी है, भारत के माननीय राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, प्रथम महिला हमारे देश की श्रीमती सविता कोविंद जी, इस कार्यक्रम में अभी जिनके बारे में स्वामी जी कह रहे थे कि लगते ही नहीं कि सेवानिवृत्त हो गए, और मैं सच बताऊं तो मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं और सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, माननीय राज्यपाल और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संरक्षक के नाते, जिनका लगातार हम सभी को सानिध्य मिलता है, और शायद वो मंच पर जब मैं आ रहा था तो उनको लग रहा होगा कि मैं उनको भूल गया या मुझे ध्यान नहीं है, वो भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब आप शिक्षा मंत्री होते थे, तब अनेकों बार आपसे भेंट होती थी, आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, और जिन्होंने योग को पूरे दुनिया के अंदर और जन जन तक ले जाने का जिन्होंने काम किया है, और उत्तराखंड को ही नहीं पूरे देश को जिन्होंने गौरवान्वित किया है, ऐसे पूज्य स्वामी जी जिनका हमेशा जिनका मुझे संरक्षण भी मैं कहूँ कि अभियोग के नाते भी बिना किसी औपचारिकता के हमेशा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, पूज्य स्वामी रामदेव जी, और जिन्होंने तिल तिल जलाकर आज हम सभी को यहाँ पर एकत्र किया है, और 1997 से लेकर आज तक लगातार इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय आशीष भैया, आशीष गौतम जी, डॉक्टर आशीष गौतम जी, और आज के कार्यक्रम में और वैसे भी हमेशा संयोजन करने वाले हमारे भाई संजय चतुर्वेदी जी, और मंच के ठीक सामने बैठे हुए मेरे बड़े भाई और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय सांसद, वो भी हमारे अभिभावक हैं, आज इस धरती पर आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, आदरणीय विनोद सोनकर जी भाई साहब, आदरणीय हमारे महाराज जी सतपाल जी, और हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, पूर्व विधायक के नाते भाई सुरेश राठौर जी, हमारे चैंपियन साहब देवयानी जी और अनीता जी समेत सभी आए हुए सभी अतिथिगण, और दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए हजारों हजार दूर दूर से देश के कोने कोने से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी इस सेवा मिशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, मैं अपनी तरफ से इस रजत जयंती समारोह में आप सबके देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर, माँ गंगा के तट हरिद्वार में आने पर, मैं 1,25,00,000 उत्तराखंड वासियों की तरफ से आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। जिसके प्रेम में दिव्यता हो, ऐसी संस्था और उसके सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। रामचरितमानस में कहा गया है, परहित सर्व धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म को निभाते हुए ये संस्था दिनों दिन लगातार काम कर रही है, और जब हम कुष्ठ रोगियों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं,
तो मन में एक अलग प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है आशीष भैया के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं लेकिन कितना कठिन क्षेत्र इन्होंने चुना है। और मैंने देखा है, चूँकि मैं बचपन से विद्यार्थी जीवन से ही आपके बारे में भली भांति जानता हूँ, आपसे परिचय रहा है, इस नाते मैं कहूँगा कि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ आपके मिशन में, जहाँ भी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोगों को पुनः उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया है, तो आपका ये मिशन जो आप बढ़ा रहे हैं, इस मिशन में हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं पुनः एक बार आपके इस मिशन को, इस संकल्प को, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, मैं इस संकल्प को नमन करता हूँ कि जिसमें आपने कोई विकल्प नहीं लिया है और लगातार आगे बढ़ते गए हैं। बहुत बार मैं देखता था कि संजय जी मेरे पास भी आते थे, जब मैं शुरुआती दिनों में उत्तराखंड राज्य बना था, तब बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप लोग कितना संघर्ष करते थे ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि जब मन में कोई प्रण कर लिया, मन में कोई संकल्प कर लिया, तो निश्चित रूप से मंजिल मिलती है। और आज इसका ये नज़ारा दिख रहा है जो चारों तरफ आपने बनाया है, ये बना है, ये इसका एक प्रत्यक्ष हमारे सामने उदाहरण है कि आप सबका तिल तिल जलना, आप सबकी मेहनत, आप सबका परिश्रम आज सबके सामने है, जो सभी को सेवा के माध्यम से, आप उपचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से और बहुत सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से आप लगातार काम कर रहे हैं, यह आने वाले लोगों के लिए भी मैं कहूँ कि एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा। तो आज के शुभ अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देते हुए और महामहिम जी का पुनः इस देवभूमि में आप सबकी तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।